2019 के चुनाव से मोदी सरकार का किसानों को तोहफा। अब सरकार किसानों को खेती के लिए हर सीजन में 4,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से आर्थिक मदद देगी। यह पैसा सीधे उनके बैंक खातों में भेजा जाएगा। इसके साथ ही सरकार किसानों को 1,00,000 तक ब्याज मुक्त लोन देगी। बिजनेस टुडे के सूत्रों के मुताबिक इसका ऐलान इसी हफ्ते किया जा सकता है। सूत्रों ने बिजनेस टुडे को बताया कि किसानों को फसल के लिए 4,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से सीधे उनके बैंक खातों आर्थिक मदद भेजा जाएगा। ब्याज मुक्त फसल लोन की सीमा को 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर 1,00,000 रुपए तक प्रति किसान कर दिया जाएगा। अभी तक 4% ब्याज दर की सब्सिडी दर पर किसानों को फसल ऋण मिलता था। योजना के तहत बैंक 1,00,000 रुपए तक के ऋण पर कोई ब्याज नहीं लेंगे। केंद्र ने 2017 से 18 में 10,00,000 करोड़ रुपए के कृषि ऋण के लक्ष्य को निर्धारित किया था, जिसे हासिल किया गया था। इसमें से 70% फसल ऋण के रूप में बांटा गया है। कर जमाफी के हो रहे ऐलानों के बीच कई बैंकों ने किसानों को ऋण देना बंद कर दिया है। अधिकारियों का कहना है कि नई योजना किसानों के लिए रास्ते खोलेगी और उपज को पैदा करने में कम लागत आएगा, लेकिन बढ़ते बैड लोन चिंता का विषय बने हुए हैं। कृषि क्षेत्र में बैंकों के पास लगभग 3,00,000 करोड़ का बैड लोन है। सरकार की ओर से लाई जा रही नई योजना में सीधे किसानों के खाते में आर्थिक मदद भेजा जाएगा। इसके लिए किसानों को कुछ जरूरी डेटा मुहैया कराना होगा, जैसे उपज को बेचने का समय, खरीदार की डिटेल, उसका आधार कार्ड, फसल की मात्रा, जमीन का विवरण, अन्य। इन सभी डेटा को फसल की बिक्री के समय इकट्ठा किया जाएगा।